जेल से आर्यन खान रिहा हो गए हैं। 27 दिन बाद आर्यन की रिहाई हुई है और ड्रग्स केस में जेल में आर्यन खान बंद थे। तो देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं मुंबई में शाहरुख खान के घर के सामने। जितने भी फैंस हैं शाहरुख खान के, आर्यन खान के समर्थक हैं, वहां पर मौजूद हैं और मन्नत के बाहर लोगों की भीड़ लगी है आर्यन के स्वागत के लिए। 27 दिन बाद आर्यन खान जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। तो मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, 27 दिन तक जेल में बंद रहे और आज आर्यन खान घर वापस आ रहे हैं, घर लौट रहे हैं। मन्नत के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शाहरुख खान के फैन लगातार उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े रहे और मन्नत के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा हर रोज देखने को मिला। जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्यवाही चल रही थी, जेल से आर्यन खान की रिहाई हो गई है, 27 दिन बाद आर्यन खान घर लौटेंगे। तो बता दें परसों की ही बात है जब आर्यन खान की बेल को ग्रांट कर दिया गया था। एनसीबी ने कई दावे किए थे लेकिन उसके बावजूद आर्यन खान के जो वकील थे उन्होंने सभी दलीलों पर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बेल ग्रांट कर दी गई थी और आज आर्यन खान की रिहाई हुई है। जेल से आर्यन खान रिहा हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद मन्नत पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप मन्नत के बाहर कैसे भीड़ जुटी हुई है, आर्यन खान का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जब जेल से आर्यन खान रिहा हुए हैं उस दौरान भी वहां पर तमाम फैंस, तमाम समर्थक और मीडियाकर्मी मौजूद थे। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस केस में क्या कुछ होता है, क्या ऑर्डर्स होते हैं, क्या आर्यन खान को बेल दी जाती है, नहीं दी जाती है। और आपको बता दें बेल ग्रांट होने के बाद कल का दिन भी आर्यन खान का डिले हुआ। वैसे कल रिहाई होनी थी लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कल या आज रिहाई हो जाएगी और आज 27 दिन बाद आर्यन खान घर जा रहे हैं। तो शाहरुख खान के घर मन्नत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शाहरुख खान के फैंस, आर्यन खान के समर्थक लगातार डटे हुए हैं, स्वागत की तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर किंग खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे। इस केस की अगर बात करें, लगातार इसमें कई कोर्ट सेशंस हुए, अब तक क्या कुछ हुआ इस केस में ये भी आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वहीं 3 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट से उन्हें रिमांड पर भेजा गया था। 4 अक्टूबर तक की रिमांड दी गई थी और 4 अक्टूबर को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ा दी थी। 7 अक्टूबर को आर्यन खान की पेशी हुई थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। 8 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज हो गई थी। वहीं 8 अक्टूबर को ही किला रोड कोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने के लिए भी कहा था। 11 अक्टूबर को एनसीबी से कोर्ट ने जवाब मांगा था और 13 अक्टूबर को कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। 14 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसे खारिज कर दिया गया था। 20 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। इस तरह से कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हुई और उसके बाद 2 दिन पहले की ही बात है, 28 तारीख को आर्यन खान को बेल ग्रांट हुई थी। तो आज यानी 30 अक्टूबर को आर्यन खान की रिहाई हुई है। जेल से आर्यन खान अब घर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए तो उपचुनाव की बात करते हैं।